जब आदि पुरुष के टीजर ने सबको निराश कर दिया था, उस समय हनुमान के टीजर ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया था, क्योंकि हनुमान के टीजर में बेहतरीन विजुअल और VFX के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाली फिल्म नजर आ रही थी। टीजर काफी अच्छा लगा था और तभी से लोग इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। तो कल फाइनली हनुमान का ट्रेलर आ गया है और आज की इस वीडियो में हम हनुमान के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। ट्रेलर देखकर हमें ये पता चलता है कि एक गांव है जहां पर हनुमंथु रहता है और उसके अंदर कोई सुपर पावर है। यहां पर हम हनुमंथु को एक चिता से तेज दौड़ते हुए देख सकते हैं और यहां पर उसने एक बड़ा सा पत्थर भी उठाया हुआ है। उसके अंदर सुपर पावर तो है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसके अंदर किस तरह की सुपर पावर है और वो उस पावर से क्या कर सकता है। विलन की एंट्री होती है जहां पर वो कहता है कि पावर सूट में नहीं बल्कि बॉडी में होनी चाहिए। यहां पर हम एक ऐसे विलन को देखते हैं जो सुपर पावर की तलाश में है, शायद इस गांव में या फिर इसके आसपास कोई शक्ति है, और वो विलन उस शक्ति को पाने के लिए उस गांव पर हमला कर देता है। अब कैसे हनुमंथु इस विलन का सामना करता है और कैसे उस शक्ति को बचाता है, ये हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर अच्छा है, लेकिन सच कहूं तो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमने उम्मीद किया था। जी हाँ, इस ट्रेलर में ऐसा कोई सीन नहीं है जिसे देखकर हम इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन विजुअल्स, VFX और इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लग रही है। जैसे कि ये वाला सीन जहां पर हनुमान जी की मूर्ति को दिखाया गया है, जिस तरह से कैमरा घूम के हनुमान जी की मूर्ति के पास जाता है, वो सीन देखने लायक है। साथ ही ये वाला सीन जहां पर ये हनुमान जी को आवाज देते हैं, हनुमान जी का ये बर्फ वाला सीन भी काफी अच्छा है। तो मुझे विजुअल इफेक्ट में उतनी कमी नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी कहानी को लेकर थोड़ा डाउट लग रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हनुमान फिल्म के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही फिल्म से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।